दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को प्रेक्षा गृह में रवि गोष्ठी में करेंगे प्रतिभाग। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा, खिचड़ी मेला पर गांव-गांव तक मिलेगी परिवहन की सुविधा, रेलवे स्टेशन व नकहा से भी श्रद्धालुओं को मिलेगी सिटी बस की सेवा। डेंगू की जांच, इलाज व रोकथाम पर विशेष ध्यान देने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। मारपीट कर लूट करने वाले अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान को 24 घंटे के अंदर हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, मोबाइल व 950 रुपए किया बरामद, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। महिला साथी लुटेरों के ऊपर गुलहरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी द्वारा कूट रचित वीजा व टिकट देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर कगहा पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही, एसपी साउथ ने दी जानकारी। महापौर सीताराम जायसवाल ने राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट व राम घाट पर बोटिंग को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा, अब लोग नौकायन की तर्ज पर यहां भी बोटिंग का ले सकेंगे आनंद, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नगर निकाय चुनाव व एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां हैं पूरी। 1 नवंबर 2019 के पहले स्नातक पास मतदाता एमएलसी चुनाव में बन सकते हैं मतदाता। 18 नवंबर को निकाय चुनाव के मतदाता सूची का किया जाएगा प्रकाशन। डेंगू पर नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है प्रयास। जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है अच्छी व्यवस्था। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों ने कहा, यहां पर नहीं है किसी तरह की दिक्कत, हो रहा है सही तरीके से इलाज। दो अभियुक्तों विनय रावत व करण शंकर गोस्वामी को नाजायज गांजा के साथ राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालय के अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मंडल की 4 जिलों की टीमों ने किया प्रतिभाग। कुशीनगर को हराकर गोरखपुर की टीम बनी चैंपियन। प्रखर श्रीवास्तव को दिया गया मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार।